कुलदीप, हाँ जी, आप लोगों को मोटिवेट करते हो, इंस्पायरिंग बातें करते हो। आपको अगर आजकल के यूथ को कोई एक हेल्थ टिप देनी है तो वो क्या होगी? हेल्थ टिप, 70 ग्राम की जीभ को कभी भी 70 किलो के शरीर पे हावी मत होने देना। शाबाश बेटा। 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 महीने बचे हैं 2023 आने में। कब सीरियस हो रहे हो लाइफ को लेकर? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। और भाई लोग, क्या हालचाल? आप लोगों ने पिछली वीडियो में इतना प्यार दिया ना कि उससे मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मैंने अगली वीडियो सोचा मोटिवेशन पे ही क्यों ना बना दीजिए। तो गाइस, आज का टॉपिक है संदीप माहेश्वरी। मेरा मुंह बंद कर गई, मेरी जबान टूट गई। अरे भाई लोग, वो तो चौंगा है, वो तो पागल हो गया आप लोगों के प्यार की वजह से। आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा दिया पिछली वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दिख जाएगा आपको, नहीं तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग देख लेना। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी ज्ञानपंती के। भैया, ये मरने जा रहा है भैया? आप यार रोज मजाक करते रहते हैं। शुरुआत किसने करी? अरे सही सही बता कि हुआ क्या? मैं IIT क्लियर नहीं कर पाया, तो मेरा IIT बनने का सपना था वो हमेशा अधूरा रह जाएगा, तो मैं लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा किसने बोला? तुझे पता है ये बुक कौन सी है? हैरी पॉटर। पता है किसने लिखी है? जेके रोलिन ने। क्या तुझे एक बात पता है कि इस बुक को पब्लिश होने से पहले 12 बार रिजेक्शंस मिले थे? मुझे इस IIT वाले बंदे का तो पता नहीं कि उसने सुसाइड किया कि नहीं किया, पर कंटेनर ने पक्का सुसाइड कर लिया होगा। अरे भाई, तू गलत जगह चला गया मोटिवेशन लेने। इससे बढ़िया तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे पक्का हौसला दूंगा। लेकिन एक सेकंड। भाई चंगे, सोसाइटी के लिए हौसला देगा क्या उसे? अरे मेरा मतलब मोटिवेट करूंगा उसे मैं। भाई चंगे, क्या हो रहा है, उठ जा। अरे कुछ नहीं यार, IIT वाले ने थोड़ा सा पीटा, मतलब मैंने उसे पीट दिया थोड़ा सा। अबे भाई, बस इसी की कमी रहेगी। देख लो दो मोटिवेशनल स्पीकर कैसे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब आप लोग ही सोचो इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन एक सेकंड, लगता है कुलदीप ने ही मोटिवेट किया उर्फी को उसके स्पेशल कपड़े पहनने के लिए। अबे ये क्या मैसेज लिख के भेजा है तूने तेरी एक्स को? क्या? अबे उसने लिख के भेजा है आई मिस यू। तेरा क्या रिप्लाई गया है? आई मिस यू टू, हाउ हैव यू बीन। अबे वो तेरी एक्स है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसने तुझे धोखा दिया था, उसने तुझे छोड़ दिया था। लो ये चल रहा मोटिवेशन। ओ सस्ते संदीप माहेश्वरी, थम जा, थोड़ा थम जा, रुक जा। जो तुम समझा रहे हो ना उसे एक्स से कैसे बात करें, उसकी जगह तुम उसे अपने करियर पे ध्यान देने के लिए बोलो ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और हाँ, उसे मोटिवेट करने से पहले तुम खुद मोटिवेशन ले लो, वो भी मुन्ना भैया से। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, चनू ने काट रहा। मान ले तू मेरी एक्स है, मुझे मैसेज भेज आई मिस यू। हाँ भेज दी। जैसे ही आई मिस यू आया, सबसे पहले तो गूगल पे जाके करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन टाइप कर और उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे भेज। 7.5 बिलियन है करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन। भेज दिया। उसके बाद उसे लिख के भेज, इस दुनिया में मेरे अलावा 7.5 बिलियन लोग बचे हैं, अब जाओ किसी और के इमोशंस के साथ जाके खेलो। ओ चचा, अगर मेरी मानो तो ना, तुम अपनी मोटिवेशन की दुकान बेचकर ना एक गधा खरीद लो। इसके दो फायदे होंगे, एक जनता को राहत मिलेगी। उसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? अबे पूरी बात तो सुन लेता है, तेरा फायदा ये है कि जो तू YouTube पे मूतता है ना, उसकी जगह तू गधे के कानों में मूती है, उससे बहुत फायदा होने वाला। मगर क्यों? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ये भगवान, क्या जुलूम है। लो गधा भी तैयार नहीं तुम्हारी वाणी सुनने के लिए। म्यूजिक। जो भी आपका फोन। अरे हो गया काम? हाँ हाँ, चल बढ़िया।
ये लाइन कैसे आ गई यार इसमें? अरे वो ले जाते वक्त गिर गया था। गिर गया था? अबे अरे भैया छोटी सी तो लाइन है। बात छोटी सी लाइन की नहीं है यार, बात केयर की है। मैंने जब तेरे को फोन दिया था परफेक्ट कंडीशन में दिया था, कोई लाइन नहीं थी, कोई स्क्रैच नहीं था। अब तू दे रहा है मेरे को चार दिन बाद यूज करके, कह रहे भैया लाइन आ गई, थोड़ी सी बात है, गिर गया था। बात केयर की है यार। आज मैं तेरा कोई सामान लूं, दो दिन बाद तुझे दूं ऐसा तोड़ फोड़ के या लाइन दे के, तेरे को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तू अपनी चीज की केयर करता है, अगला आदमी भी अपनी चीज की केयर करता है। अब अगर तू किसी और का सामान ले। अबे भाई बस कर यार, बस कर, चुप हो जा थोड़ा, नहीं तो वो मर जाएगा। वो तेरा तो क्या किसी और का भी सामान नहीं ले पाएगा फिर। हो गई उससे गलती, माफ कर दे उसे यार, तू बस कर। अब आप लोग बोलोगे सही तो बोल रहे कुलदीप भैया, अगर किसी का सामान लो तो उसकी इज्जत तो करो। चलो आप लोग बोल रहे हो तो मान लेते हैं कि सही बोल रहे हैं, पर इतना ज्ञान क्यों फैल रहे हैं? थोड़ा आराम से बात कर लें उससे। मानता हूँ होगी गलती, हो जाती है कभी कभी गलती किसी से, इतना ज्ञान क्यों? चलो आप फिर भी बोल रहे हो तो मैं इसको सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी भैया। आई एम सॉरी बाबू। तो गाइस जल्दी जल्दी कमेंट कर दिए दूसरे पार्ट के लिए, ताकि मैं दूसरा पार्ट बना सकूं। अगर आप लोग कमेंट नहीं भी करते ना तो भी मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो गाइस आज के लिए बस यहीं तक, तब तक आप बोनस क्लिप का मजा लें। अरे दादा रे, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। That falls apart, I've been torn apart.